जय हिंद दोस्तों। तो जो भी बच्चों ने लास्ट ईयर में पटवारी का पेपर दिया था उन सब के लिए आज बहुत अच्छा दिन है और बड़ी अपडेट है। आज एमपी का जो जनसंपर्क एमपी का ऑफिशियल हैंडल है उस पर उन्होंने अपडेट दिया है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ग्रुप टू सब ग्रुप फोर एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित विभागों को दिए गए। ठीक है, तो जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसने सभी की नियुक्ति पत्र के आदेश जो भी हैं उस विभाग से संबंधित हैं उन सबको दे दिए हैं। और ये ट्विटर हैंडल पर जो है मध्य प्रदेश का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर अपडेट हुआ है अभी एक घंटे पहले करीब, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, वित्त विभाग, जनसंपर्क विभाग, ये सारे विभाग लिखे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। विषय क्या है? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित ग्रुप टू सब ग्रुप फोर एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में इस विभाग का पत्र क्रमांक इतना आया था 19/7/2023 को। विषयांतर्गत संदर्भ पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ग्रुप टू सब ग्रुप फोर एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जाएगी। तो जिन भी बच्चों का पेपर निकला हुआ है और काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, कार्रवाई की वजह से कुछ कमेटी बनी, फिर उसको कमेटी ने फाइनली पिछले कुछ दिन पहले डिसाइड कर दिया, एक अपनी रिपोर्ट दे दी, क्लीन चिट दे दी, कोई घोटाला नहीं हुआ है। अब देखो जो हाथ है हमारे, जो हमारे हाथों में चीज़ें नहीं हैं उन पे तो हमें विचार करना नहीं है। उन सब बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ था और जो पिछले 3-4-5 महीने से इंतजार कर रहे थे अपनी नियुक्तियों का। उन सबकी नियुक्ति बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी आप सबकी नियुक्तियाँ आ जाएंगी। पिछले आप 2 हफ्ते से लगातार देख रहे होंगे कि व्यापम जितना भी पिछला जो कुछ भी डिले हुआ है, जो रिजल्ट रुके हुए थे वो रिजल्ट भी दे ही रहा है। पिछले 2 सप्ताह में उसने 3 पेपर के रिजल्ट दे दिए। ग्रुप वन का रिजल्ट आने वाला है अगले सप्ताह तक, पुलिस का जो पेपर दिए हैं उनका भी रिजल्ट आ जाएगा और एक ये जो पेपर था पटवारी का तो इसका भी आज क्लियर हो गया। इसकी भी नियुक्ति पत्र धीरे धीरे जारी होने वाले हैं। तो फाइनली आप सबको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिला है और बढ़िया एंजॉय करो, बढ़िया से जीवन में आगे बढ़ें। जिन बच्चों का नहीं हो पाया किसी कारण बस, तो थोड़ी सी और सब्र रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ी सी मेहनत करें। इस वर्ष या अगले वर्ष बहुत अच्छे मौके हैं। एसएससी में या रेलवे में इस साल बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल ही रही हैं। संभावना यही है कि मध्य प्रदेश में भी ये नई सरकार है और भर्तियों को लेकर और भर्तियों की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ तो अच्छा होगा। थोड़ा सा प्रयास तो दिख ही रहा है कि हाँ चलिए ये पिछले जो रिजल्ट हैं उनको भी दे रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ें सुधारने की प्रयास तो कर ही रहे हैं। एमपीपीएससी आप देखो तो एमपीपीएससी फिर से अपनी चीज़ों को सही कर रही है। तो हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि व्यापम भी चीज़ों को सुधारे, जो व्यापम पेपर करा रही है खास करके पुलिस के और वन रक्षक के, जिनके लिए बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम के आए हैं, जो बच्चे गाँव वाले हैं वो बहुत सारे इन्हीं वैकेंसीज पर डिपेंडेंट हैं, इन्हीं के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबके लिए चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, यही उम्मीद है। और एक बार फिर से उन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका पटवारी में हुआ था। काफ़ी सारे बच्चे हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो एक एक करके उन सबसे फिर से हम मिलेंगे और सबके नियुक्ति पत्र बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो आप सब तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से ज्वाइनिंग करने की, सबके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।